कैसा आप लोग, मैं प्रथम शिता पे, आप देख रहे प्रथम शिता पे चैनल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो बताने वाला हूँ ना, वो 20,000 के अंदर अंदर मोबाइल होने वाले हैं। जो आपको वन प्लस वगैरह उसमें ऐड कर दिया है मैंने एक, आपको वो भी नो डाउट ले सकते हो। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन सा लेना चाहिए, आपके हिसाब से अच्छा कौन सा होगा। और ये आपको कार्ड वगैरह लगा कर 20,000 के अंदर या 20,000 में ही मिल जाएगी। कुछ कुछ की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, पर उसे हम कार्ड वगैरह लगा कर कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो ये सब 5G मोबाइल होने ही वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है रियलमी 10 Pro Plus, जो एक कोर डिस्प्ले वगैरह इसमें है। इसमें 23,000 इसकी प्राइस इन्होंने दिखाई है, पर ये कम ज़्यादा होती ही रहती है। इसका कैमरा है 108 MP का, नो डाउट अच्छा ही कैमरा है। उसके बाद आपको मिल जाता है 120Hz का कोर डिस्प्ले। जिसको कोर लेना है वो इस मोबाइल की तरफ जा सकता है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 वाला 5G प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है। जो ये 67W का चार्जर दिया है, तो चार्जर की कोई ही दिक्कत नहीं है। तो कैमरा वगैरह बहुत अच्छा है, कोर वाला डिस्प्ले। उस जिसको कोर वाला डिस्प्ले चाहिए वो इस मोबाइल की तरफ जा सकता है। अगले मोबाइल की बात करेंगे तो ये आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉर्ड C3 Lite 5G। इसमें जो है ना आपको 20,000 के अंदर मिल जाता है। अब जो इसकी थोड़ी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। 67W का सुपर वॉक का चार्जर। और उसमें जो आता है 108 MP का कैमरा, जो है स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट आता है। 8GB वर्चुअल रैम कंसेप्ट इन्होंने कुछ दिया है, और ऐसा जो है लुक है। और इसमें फिंगरप्रिंट साइड में मिल जाता है, तो वो थोड़ा आपको चलेगा तो ये इसके तरफ जा सकते हो आप। उसमें जो है लास्ट वाला आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। ये भी 5G वाला मोबाइल है। हम थोड़ी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं इसकी। ये जो है ना आपको मिल जाता है Type-C to Type-C ऐसे केबल मिल जाता है। तो उसमें आपको चार्जर वगैरह कुछ लेना पड़ेगा। आप अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो इंटरेस्टेड होगे इस मोबाइल के। तो जो है हम थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपको डिस्प्ले मिल जाता है 6.5 इंच का सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो 50MP का रियर कैमरा मिल जाता है। जो है आपको फ्रंट कैमरा भी अच्छा खासा ही मिल जाता है। तो 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट, जिसको है ना आपको सैमसंग लेना है तो आप सैमसंग की तरफ ही जा सकते हो। और आपको जो है, मुझे तो प्रेफर रियलमी 10 प्रो प्लस या वन प्लस अच्छा लगा। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे न्यू वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।